वेलकम बैक टू अवर चैनल का मुस्कान सर बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, जो कि है पर्सनल सेलिंग। तो कल को मैंने इस चैप्टर का आपको एक नया टॉपिक पढ़ाया था, जो कि था डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। आई होप आपने कल वाली क्लास देखी हो। आज हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं कल को भूल गई थी, लेकिन अच्छा मैंने कल को नहीं बताया, क्योंकि कल को वो पूरा हो गया था काम मेरा, तो मैं सोचा आज मैं आपको बता दूंगी। तो अब बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो मैंने फाइनली प्लेलिस्ट बना दी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थोड़ी सी मुझे, क्योंकि 500 वीडियोस थी, तो उनको मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। तो आपको 20 हाँ मैंने आपको 20 चैप्टर करवा दी, उनकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये जो 21 वाला चैप्टर है, जो कि पर्सनल सेलिंग है, इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अब आपको इस क्लासेस की जो मैं अब क्लासेस लूँगी, उनको मतलब वो साइज क्लासेस में प्लेलिस्ट में अब से मैं ऐड कर दूँगी, तो मुझे इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप आराम से जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट। सारे चैप्टर्स एक सीरीज से हैं, ठीक है। और मैंने जो मेरा दो जो दूसरा चैनल है, जिसमें मैं 11th के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उसमें भी मेरा इकोनॉमिक्स वाला जो सब्जेक्ट है वो चल रहा है, उसमें मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो ज़रूर जाके देखना, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी उस चीज़ में, ठीक है। तो चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, पर्सनल सेलिंग इज अ मैथड ऑफ सेल्स कम्युनिकेशन। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, आप पर्सनली कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, कि जिससे जो आपका कस्टमर है वो आपका प्रोडक्ट बाय करे, वो उसको अच्छा लगे, उसको यूजफुल लगे, और वो वाला प्रोडक्ट कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई भी कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक तरह से कम्युनिकेट करते हैं किस लिए, कि जिससे हमारी सेल्स हो जाए, ठीक है। सेकेंड है आपका, पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स कमर्शियल एंड सोशल बिहेवियर। देखिए, पर्सनल सेलिंग जो भी इंसान कर रहा है, मतलब एक सेल्समैन ही पर्सनल सेलिंग करता है, मतलब जो एक सेल्समैन होता है वही बातचीत करता है कस्टमर से। तो देखो, कमर्शियल का मतलब इधर ये है कि आप बिजनेस की बात कर रहे हो, कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह का चाहिए, ठीक है ना, और आप उसको कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो पहला बिहेवियर जो सेल्समैन में होता है, जो पर्सनल सेलिंग में ये लोग बोलते हैं, वो होता है कमर्शियल बिहेवियर, जो सेल्समैन में होना चाहिए। दूसरा चीज होता है सोशल बिहेवियर। देखो, आप कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको हर चीज से डील करना पड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस इंसान से किस तरीके से बात करनी है, मतलब हर इंसान को आपको रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे वो हाई लेवल या हाई स्टैंडर्ड का इंसान या हाई सोसाइटी का इंसान क्यों ना उतर रहा हो आपके शोरूम में। तो आपको एक ठीक तरीके से बिहेव करना चाहिए, ठीक है ना। तो सोशल बिहेवियर और कमर्शियल बिहेवियर का यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बताया गया, क्योंकि जो एक सेल्समैन है वो सोशली बिहेव करता है, वो कमर्शियल बिहेवियर रहता है उसका कस्टमर्स के साथ, ठीक है। पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स बोथ सेलिंग फंक्शन एंड नॉन सेलिंग फंक्शन। ठीक है, जो पर्सनल सेलिंग है, सेलिंग फंक्शंस का मतलब यह है कि आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हैं, बता रहे हैं, मतलब सेल से रिलेटेड सारी चीजें आप कर रहे हैं। और नॉन सेलिंग फंक्शन ये है कि आप थोड़ा सा ना, हम बोलते हैं ना, जब हम कहीं शोरूम पे या किसी शॉप पे जाते हैं, तो चाहे वो शॉपकीपर हमें जानता ना हो, चाहे हम ना जानते उसे, तो एक वो ऐसी बातें करने लगते हैं कि जैसे पता नहीं कितने हम जानते हैं
एक दूसरे को वो पूछने लगते हैं कहाँ पे रहते हो, अच्छा नए आए हो, मतलब एक पर्सनल रिलेशन जिसको हम बोलते हैं ना कि हम कस्टमर के साथ डेवलप करते हैं कि जिससे उसको ये लगे कि हाँ ये इंसान सही है, मतलब एक वो फीलिंग हम क्रिएट करते हैं कि जो ये कस्टमर है ये हमारे शॉप पे आए, इसको हमारी शॉप का इन्वायरमेंट अच्छा लगे, बिल्कुल एक घर जैसा उसको इन्वायरमेंट लगे, ठीक है ना, वो कभी भी डरे ना हमारे शोरूम पे आते हुए, या कुछ भी कुछ पूछना है तो आराम से पूछे, ठीक है ना। एक होता है ना एक फ्रैंकनेस जिसको हम बोलते हैं, वो हम नॉन सेलिंग फंक्शंस में हम यहाँ पे कस्टमर के साथ बिल्ड करते हैं कि जिससे उसको एक हम अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाए। इट इन्वॉल्व्स परसुएशन ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात, पता है यहाँ पे क्या होता है, ये लोग सिर्फ वर्ड्स चेंज कर देते हैं लेकिन बात वही होती है, ठीक है ना। सिर्फ पॉइंट्स बढ़ाने का एक यहाँ पे टेक्निक होती है कि थोड़े वर्ड्स को आगे पीछे कर दो, किसी में कुछ वर्ड लिख दो, किसी में कुछ वर्ड लिख दो, थोड़ी लाइन को मोल्ड, मतलब थोड़े लाइन को घुमा फिरा के लिख दो, तो वो देखने में कुछ और पॉइंट लगता है लेकिन जब हम पढ़ते हैं समझते हैं वही पॉइंट निकलता है। इट इन्वॉल्व परसुएशन ऑफ कस्टमर्स का मतलब ये है, पर्सनल सेलिंग में आप कस्टमर को परसुएट करते हो, उसको समझाते हो कि आपको हमारा प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, इसमें क्या ऐसी पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है ना। तो आप उसको एक तरह से अट्रैक्ट कर रहे हो, उसको मना रहे हो, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि आप हमारा प्रोडक्ट ही लीजिए। इट इन्वॉल्व विनिंग द बायर्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग ये बोलते हैं कि आप एज अ सेल्समैन, आपके पास एक ऐसी आर्ट होती है, एक ऐसी स्किल्स होती है कि आप कस्टमर का कॉन्फिडेंस जीत सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ बातें बना बना के, कहते हैं ना कि जो बिजनेसमैन होता है उसको बातें बहुत बनानी आती है, तो वो बातों से ही कस्टमर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे जीत लेता है। सिक्स्थ है आपका, इट एम्स एट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू बायर्स। तो देखिए पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, जो सेल्समैन होता है वो कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है, हर चीज, मतलब जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उस कंपनी से रिलेटेड है, जो कस्टमर को चाहिए, ठीक है ना, जो कस्टमर को इंफॉर्मेशन चाहिए, इन शॉर्ट वो सारी इंफॉर्मेशन प्लस वो सारी सर्विसेज बायर को दे देता है। इट इज अ टू वे प्रोसेस एंड बेनिफिट बोथ बायर एंड सेलर। देखो जब हम किसी से बात करते हैं ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ सेलर और जो सामने, जो ठीक है आप सेलर हो और सामने कस्टमर है, तो आप बस अपना खुद का ही बोले जा रहे हो कि आपको नहीं ये लेना चाहिए, आपको ये पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे, और आप कस्टमर की कोई बात नहीं सुन रहे हो, ठीक है ना, कि उसको क्या पसंद है, कौन सा स्टाइल पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, बस आप अपना ही ज्ञान उसको दिए जा रहे हो, तो वो वहां से चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो पर्सनल सेलिंग है, ठीक है, आपका एज अ सेलर आपका काम है कि आप सामान बेचे, आपको अट्रैक्ट करना है कस्टमर को, लेकिन पहले कस्टमर की भी आपको सुननी है कि कस्टमर क्या चाहता है, उसका टेस्ट क्या है, उसकी नीड क्या है, उसको अगर कोई दिक्कत आ रही है प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, तो आपको हर चीज मतलब सुननी है फिर बतानी है, ठीक है ना। टू वे प्रोसेस यहाँ पे इसलिए बोला जाता है, देखो जब आप किसी की बात सुनोगे समझोगे फिर आप बताओगे, तो वो आपको भी मतलब फायदा करती है वो बात, और सुनने वाले को भी फायदा करती है, ठीक है ना, क्योंकि उसको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है और आपको भी अपनी बात समझाने का मतलब मौका मिल रहा है, आपको भी लास्ट में प्रॉफिट होता है, ठीक है। एट है आपका, इट हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ बायर्स एंड सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। वही घुमा फिरा के बात आ गई कि पर्सनल सेलिंग में क्योंकि आप लोग पर्सनली कांटेक्ट में हो, ठीक है ना, तो आप कस्टमर की प्रॉब्लम समझते हैं, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। नाइन्थ इज पर्सनल सेलिंग इज एन एजुकेटिव प्रोसेस, इट टेल्स कंज्यूमर्स द वे इन विच दे कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स। वही है पर्सनल सेलिंग क्या है, देखो सिर्फ वर्ड्स को ये लोग घुमा रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा हो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कि थोड़ा वर्ड को चेंज कर दो, लेटर्स को चेंज कर दो, लेकिन बात तो वही है ना सारी, वही घुमा फिर आके बात हो रही है। पर्सनल सेलिंग एक एजुकेटिव प्रोसेस है, क्यों है, क्योंकि मेरे सामने अगर कोई कस्टमर है और वो मुझसे कुछ पूछ रहा है कि इसको कैसे यूज करना है, इसके क्या क्या
फायदे हैं, मुझे कौन से एडवांटेजेस मिलेगा इस प्रोडक्ट को यूज करने का, तो वो सारी चीजें कस्टम वो जो सेलर वो कस्टमर को बताते हैं। एक तरह से ये एजुकेटिव प्रोसेस है, हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कुछ किसी को कुछ सिखा रहे हैं। इट टेल्स कंज्यूमर द वे इन विच दे कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स, ठीक है ना। इन सब बातों से जो हम चीजें कस्टमर को बता रहे होते हैं प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, इन सब चीजों से क्या होता है, कस्टमर की नीड्स या जो उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। तो 10th है आपका, पर्सनल सेलिंग इज मोर फ्लेक्सिबल एंड एडाप्टेबल। देखिए, पर्सनल सेलिंग एक ऐसा प्रमोशनल टूल माना गया है जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। क्योंकि फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि आप एज अ सेलर, आप अगर कस्टमर के साथ पर्सनल कांटेक्ट में हैं, आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है, तो आप आसानी से अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी के बारे में कस्टमर को बता सकते हो, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा रॉकेट साइंस की बात नहीं है, कोई भी सेलर इस चीज़ को इजिली से अडाप्ट कर लेता है, ठीक है ना। वो इस क्योंकि सेलर का काम है अपने प्रोडक्ट को बेचना, कस्टमर को बताना, उसको अट्रैक्ट करना, तो ये बेस्ट एक तरह से मेथड माना जाता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, सेल्समैन एडजस्ट हिमसेल्फ एंड हिज सेल्स टॉक्स अकॉर्डिंग टू द नीड, डिजायर, बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं कस्टमर के साथ, तो जब हम आमने सामने किसी से बात करते हैं तो हमें पता चलता है उसकी नीड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके डिजायर्स क्या है, उसका टेस्ट क्या है, और उसी अकॉर्डिंग हम उसको प्रोडक्ट दिखाते हैं अपनी कंपनी के, ठीक है। तो पर्सनल सेलिंग बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल है और बहुत ज़्यादा एडाप्टेबल है, ठीक है। तो इसको यूज करने में कोई किसी को ज़्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर बिजनेसमैन बातें करना अच्छे से जानता है, तो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इस सिनेरियो से ये लोग यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारी करेक्टरिस्टिक समझ में आई हो। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट या कंफ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक ले बाय।